आधुनिकता के इस युग में आज भी हमारी प्राचीन पद्धति कहीं न कहीं उस पर भारी पड़ती नजर दिखाई दे जाती है। यही कारण है कि आज भी अधिकतर लोग अपने खेतों में भूमिगत जल खोजने के लिए विज्ञान से ज़्यादा पारंपरिक तरीकों पर विश्वास जताते दिखाई दे जाते हैं व अधिकांश मामलों में उनका यह विश्वास टिक भी बैठता है। कुछ ऐसा ही जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले कुनिहार क्षेत्र में दिखाई दे जाएगा। यहाँ कोठी गांव से संबंध रखने वाले रविंद्र कुमार बड़ी ही आसानी से कहीं भी भूमिगत जल को खोज लेते हैं। हैरानगी इस बात की है कि भूमिगत जल खोजे जाने इस विद्या का अनुभव एकाएक ही हुआ है। उन्होंने इस विद्या का प्रयोग अपनी ही भूमि पे कर भूमिगत जल की तलाश की व वहां पर मशीन द्वारा बोरवेल करवाए जाने पर जल की धाराएं फूट पड़ी। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति ने क्षेत्र के आसपास ही 4-5 लोगों की जमीन में भूमिगत जल की तलाश की व बताए अनुमान के अनुरूप भूमिगत जल निकल गया। रविंद्र कुमार ने बताया कि वह अपने दोनों हाथों में एक लकड़ी की छड़ी पकड़ लेते हैं व खेतों के आसपास घूमते रहते हैं। भूमि के नीचे जिस जगह पानी होगा उसके ठीक ऊपर हाथों में पकड़ी लकड़ी अपने आप ही घूमने लग जाती है। रविंद्र कुमार ने बताया कि पिछले करीब 2 वर्षों से मुझे इस विद्या का अनुभव हो रहा था। इससे पहले मैंने अपनी ही जमीन में भूमिगत पानी की खोज की व मशीनों द्वारा बोरवेल करवाने के पश्चात पानी निकल आया। उपप्रधान ग्राम पंचायत कोठी प्रीतम ने कहा कि क्षेत्र में भूमिगत जल खोजने के लिए बाहरी राज्यों से अनुभवी लोगों को बुलवाया जाता था। पुरातन पद्धति से बहुत से लोग नारियल, लकड़ी, लोहे की तार आदि उपकरणों से पानी की खोज किया करते थे। गांव कोठी से संबंध रखने वाले रविंद्र कुमार अपने दोनों हाथों में एक लकड़ी पकड़कर पानी खोज लेते हैं। जमीन के नीचे जहां पानी होगा हाथों में पकड़ी लकड़ी एकाएक घूमने लगती है। अन्य लोग भी इन्हें भूमिगत जल की तलाश हेतु ले गए थे, वहां भी जमीन के नीचे से पानी निकला है। मैं कोठी ग्राम पंचायत प्रधान, जैसे कि हमारे यहां पर लोगों को पानी की समस्या होती थी और जो बोर के लिए हम नीचे से लोगों को बुलाते थे जिससे बड़ी कठिनाई होती थी। आज हमारे कोठी पंचायत में रविंदर नामक व्यक्ति है जिसके हाथों में ही छड़ी घूम जाती है, जिससे कि जहां पर भी वो छड़ी घूमती है वहीं पर पानी प्राप्त होता है। उन्होंने अपनी ही जमीन में मैंने खुद ही अपने देखा है, जितनी मतलब पानी जगह पर घूमते खाली जगह पर घूमते जहाँ पर पानी होता है जमीन के नीचे वहाँ लकड़ियाँ पड़ा भी घूमने शुरू हो जानी है। चार जगह और जगह उनको लोगों ने बुलाया तो वहाँ पर भी अच्छा पानी निकला है। ये चीज लगे किसी सीखा नहीं कहता नहीं सीखा अचानक ही मतलब इनको ये हुआ है मतलब इसका ज्ञान हुआ है मतलब इन्हें इतनी जोड़ दे और पता मेरे को पता लगा है कि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है कुछ ऐसा अचानक ही उनको ऐसा हो गया कि ज्ञान हो गया ऐसा कि जहाँ भी हो जाते हैं खेतों में जहाँ पानी होता है वहाँ लकड़ी खुद ही घूमने लग जाती है। ठहर जा। रविंदर जी ने यह काम किसी से नहीं सीखा है क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं उनके हाथ में जो लकड़ी होती है वहाँ जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे वो घूमना शुरू कर देती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।